करूं 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 नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं लोहे की साकलों में बंधवा कर इसे अंधकूप में फिकवा दूंगी। तू तो बस दासी है, तेरा पुत्र बंदी होगा मेरा जीवन भर के लिए। तू अंदर चल, आजा। चला, ध्यान रखा करना। तू अवसर देता है तभी तो तेरी माँ को ये व्यंग बाण सुनने पड़ते हैं। माँ बाण कितना भी तीव्र क्यों ना, उसे बीच में ही रोक सकता हूँ। जिस धनुष ने उसे छोड़ा है उसकी प्रत्यंचा को भी तोड़ सकता हूँ। बस आपकी आज्ञा से बंधा हूँ माँ, अन्यथा। करुण, ठीक है मां, आज के बाद इन्हें मेरी ओर से कोई अवसर नहीं मिलेगा। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कल से अब तक पूरी रात यहीं खड़ा रहा तू। आपको जल चाहिए था ना माँ, जब तक मैं जल लेकर आया आप सो चुकी थी। माँ अब दिन भर परिश्रम करके थक जाती है, आपको नींद से उठाना मुझे उचित नहीं लगा। मुझे लगा यदि प्यास से आपकी नींद खुलेगी तो मैं शीघ्र ही आपको जल पिला दूंगा ताकि मेरे कारण आपकी नींद में विघ्न ना पड़े। माँ ये लीजिए माँ, जल पी लीजिए।
तेरा सेवा भाव अद्भुत है गरुड़। मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बता, क्या इच्छा है तेरी? यदि आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है और मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए माँ कि जब तक सृष्टि का जीवन क्रम थम ना जाए और काल का चक्र रुक ना जाए, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी अनवरत सेवा करता रहूं। माँ! नहीं गरुड़, रुक जा, क्या कर रहा है तू? ये भाई है तेरे। जब भाई अपना कर्तव्य भूल जाए तो उन्हें उनके कर्तव्य स्मरण कराना मेरा अधिकार है माँ। वन में विचरण करने से सियार सैनी बन जाता और राजकुमारों के कक्ष में आने से एक दासी पुत्र भाई नहीं कहलाता। अपनी विषैली शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना तुम सबको? आज उसी अभिमान का अंत करूंगा मैं। तुम्हारे विष उगलने के सामर्थ्य को नष्ट कर शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम सबको। और फिर तुम सब सब के सब मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। माँ शीघ्र आइए, आपके पुत्रों के प्राण संकट में है माँ। हटिए माँ, ये आप क्या कर रही है? जो प्रतिदिन प्रतीक्षण आपका पान करता है, आप उसी की ढाल बनना चाहती है? हटिए माँ। जो चाहते हो वो कर गरुड़, जा यहाँ से। मैंने तुझे बुलाया, सहायता मांगी तेरी नहीं ना, तू क्यों चला आया यहाँ? महारानी आती होंगी तो तू जा यहाँ से, तू सुन क्यों नहीं रहा गरुड़? जा यहाँ से। तो फिर अभी चलिए मेरे साथ। बिना आज्ञा के नहीं जा सकती मैं, दासी हूँ मैं। पुत्र हूँ मैं आपका, यू संकट से गिरा छोड़ अपनी सुरक्षा के लिए चला जाओ। इतना निर्लज्ज नहीं हूँ मैं माँ। रुक जाओ। बड़ी माँ। महारानी, इस महल की महारानी हूं मैं। महारानी, आपके पुत्रों ने अभी मेरे पुत्र स्वामी है तेरे। पता नहीं कौन सा द्वेष है इसके मन में जो बिना उकसावे के हमें तंग करने का इतना प्रयत्न कर रहा है। मैं तुम्हें तंग करता हूँ या तुम सब मिलकर मेरी माँ को भयभीत करते रहते हो? क्या कर रहा है करो, चुप हो जा। जो मेरी माँ का अपमान करेगा मैं उसका सम्मान कभी नहीं कर सकता। और यदि तुम लोगों ने फिर यह पाप करने का दुस्साहस किया तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। शांत हो जा पुत्र,
महारानी मेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी माँ है। इन्हें आदर और सम्मान तुझे देना ही चाहिए, जैसे तू मुझे देता है। देख क्या रहा है, दृष्टि नीचे कर। क्या कर रहा है गरुड़? नीचे कर ले अपनी दृष्टि। दृष्टि नीचे कर। ऋषि कश्यप, आपका और विंता का पुत्र महाबलवान महाबुद्धिमान होगा। आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, और भूमि पे रहने वाले उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। कितना रोका था मैंने, मना किया था राजकुमारों से झगड़ा मत कर। क्यों तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी? चेष्टा की थी मां, किंतु आप पर अत्याचार होते हुए देख स्वयं को रोक नहीं पाया। मैं उन्हें पाठ पढ़ाना चाहता था ताकि वो फिर कभी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न भी ना कर पाए। किंतु परिणाम क्या हुआ गरुड़? दंड तो तुझे ही मिला ना। सागर सी तू अपार है माँ, ये जीवन तेरा उपकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। पुचकार तेरी शीतल जल सी, तेरी थपकी है मीठे फल सी। मुझे घाव कभी लग जाए तो उपचार है माँ, उपचार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। तेरी बड़ी माँ है वो, मेरी बहन है। उनके बारे में इतने कड़े वचन मत कह गरुड़, इतनी भी बुरी नहीं है वो। वर्षों बीत गए किंतु अब भी कल की ही बात लगती है। संसार में सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करती थी वो। तो फिर अब क्या हो गया माँ, आपके प्रति उनका व्यवहार कैसे बदल गया? वो ये कैसे भूल गई कि आप उनकी बहन है और सम्मान के साथ जीने का अधिकार आपको भी है? माँ आप दासी कैसे बन गई? मकड़ी का जाल देखा है तूने? कुछ प्रश्न बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उत्तर पाने की चाह में जितनी दूर जाएगा उतना ही उलझता चला जाएगा। मेरे अतीत को जानने में जीवन नष्ट मत कर, अपने भविष्य की पहली सुलझा। किंतु माँ आप हाँ, इस समय हम पराधीन हैं, किंतु सदैव स्मरण रखना कि तेरी वर्तमान परिस्थिति ये निर्धारित नहीं करती कि तू कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। ये केवल इस बात का सूचक है कि तुझे अपनी यात्रा प्रारंभ कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। मेरा कहा मान गरुड़, अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर। और आपकी बात को काटने के लिए क्षमा चाहता हूं मां। किंतु मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर चुका हूं। आश्चर्य है माँ, महारानी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी आपका चित्त इतना प्रसन्न कैसे? चित्त चंचल होता है गरुड़,
अपनी वर्तमान परिस्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता। सदैव इसी सोच में व्याकुल रहता है कि कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारा भाग्य जागेगा। किंतु हमें बड़ी प्रसन्नताओं की प्रतीक्षा में ऐसी छोटी छोटी प्रसन्नताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अद्भुत, आप अद्भुत हैं माँ। तन को कितनी भी पीड़ा मिले, ना आपका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है। माँ मुझे आप जैसा बनना है। माँ के तन से पुत्र के तन का जन्म होता है, किंतु माँ के संस्कारों से पुत्र का व्यक्तित्व जन्म लेता है। मैं तुझे वो संस्कार सिखाऊंगी जिनसे समस्त जग में जाना जाएगा तू। वो तेरी पहचान का माध्यम होंगे, जिनके कारण सारे संसार में वंदनीय बनेगा तू। ना मैं ज्ञानी हूँ ना विद्वान, केवल एक माँ हूँ जो अपने पुत्र को आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक संस्कार देना चाहती है। हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमपिता विष्णु, इस संकल्प में मेरी सहायता कीजिए। पहला संस्कार, बड़ों के सामने हाथ से छूटी हुई छड़ी बनना। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जैसे हाथ से छूटते ही छड़ी नीचे भूमि पर गिर जाती है, वैसे ही अपने माता पिता और अपने से बड़ों के सामने आते ही तू सदैव नीचे झुक जाना, उनका सम्मान करना। माता पिता का सम्मान तो उचित है माँ, किंतु सभी बड़ों का सम्मान करना अनिवार्य क्यों है? आयु में बड़ा होने का अर्थ ये तो नहीं है कि वह व्यक्ति सम्मान के भी योग्य हो। और सम्मान तो अर्जित किया जाता है ना माँ। सत्य कहा तूने। इसलिए यदि तुझे स्वयं सम्मान अर्जित करना है तो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। मान ले कोई ऐसे व्यक्ति है जो तुझसे आयु में बड़े हैं, किंतु तू उनके आचरण से संतुष्ट नहीं है, तो भी यदि तू उन्हें सम्मान देगा तो उनसे कुछ ऐसा प्राप्त कर पाएगा जो उनके पास प्रचुर मात्रा में है, किंतु तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्या है माँ? अनुभव। नासमझ व्यक्तियों को जीवन का ज्ञान अपने अनुभवों से स्वयं अर्जित करना पड़ता है, किंतु विद्वान वो होता है जो दूसरों के अनुभव से शिक्षा लेना सीख लेता है। तुझे पता है महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है, पुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, उनसे एक बार उनके एक शिष्य ने वेद पुराण और ब्रह्म सूत्रों का सार एक पंक्ति में पूछा तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सभी धर्म ग्रंथों का सार, वो एकमात्र सीख जिसका पालन करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, वो है मन से, वचन से और कर्म से। बिना उचित कारण किसी के भी हृदय को पीड़ा मत पहुंचाना। और यही तेरा दूसरा संस्कार भी है। माँ, वचन और कर्म पर तो फिर भी नियंत्रण रख सकता हूँ, किंतु मन का क्या करूँ? इसमें तो भांति भांति के विचार आते रहते हैं। मन को स्थिर करना है तो विचारों को स्थिर करना सीख। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए
तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। मेरी गुरु तो आप ही है माँ, मैं आपका ही ध्यान करूंगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, प्रातः स्मरणीय बनना। ये बनना इतना भी कठिन नहीं है। इसके लिए अब तक बताए 6 संस्कारों का प्रत्येक परिस्थिति में पालन करना है तुझे। विपदा में व्यक्तित्व निखरता है गुरु, इसलिए सामने कितना भी घनघोर संकट क्यों ना आए, तू सदैव अपने आदर्शों पर अड़िग रहना। यदि तू ऐसा कर पाया तो अपने आप संसार के लिए वंदनीय बन जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं मां कि मैं अपना जीवन आपके लिए और आपके आदर्शों के लिए समर्पित कर दूंगा और आपके सिखाए गए संस्कारों का सदैव सभी परिस्थितियों में पालन करूंगा। वचन है मेरा। सदैव प्रसन्न रह गरुड़, तुझे अपना वचन पूर्ण करने का सामर्थ्य मिले, श्री विष्णु की कृपा सदैव तुझ पर बनी रहे। Updates. Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.